पर गेट कर दिया है बिल्कुल उधर, और इधर का गेट बंद कर दिया। इधर माता जी का मंदिर है, बरजंग बालाजी का मंदिर है, सीताराम का मंदिर है। इधर से प्रवेश जो करते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और ये इधर पास में विक्टोरिया हॉस्पिटल है, उसके लिए भी दिक्कत हो रही है। और फिर हमारा घर इसी गेट पे चलता है, इसी गेट पे। आज हमने आंदोलन किया है, थोड़ा बताया है कि भाई हाँ गेट खोला जाए, क्यों हमारे कम से कम 300-400 आदमियों का पेट यहाँ से ही भरता है इसी गेट की वजह से। और ये राधा देवी भाई, इन्होंने जो गेट बंद किया है, इन्होंने टिकट लगवाई है 25 रुपये। सबसे पहले तो 25 रुपये टिकट बहुत ज़्यादा है। अगर जो इनको लगानी भी है तो कम से कम 10 रुपये होने चाहिए, जिससे आम आदमी भी जा सके, अमीर भी जा सके, गरीब भी जा सके। और मेन गेट ये जो अन्ना सागर का जो गेट है, इन्होंने बंद कर दिया है, तारबंदी कर दी है। हम सरकार से यही चाहते हैं ये गेट खोल दिया जाए। यहाँ से जो आने जाने वाला आदमी है, ऐसा पीछे दुकानदार हैं, हर किसी का रोजगार है, वो 28 दिनों से बंद पड़ा है। यहाँ से जेएलएन अस्पताल से, मंदिर से, बजरंगबली मंदिर से जो आदमी टूरिस्ट घूमने आता है, उनको यहाँ से रास्ता बिल्कुल बंद मिलता है। निराश होकर चले जाते हैं, वापस किराया भाड़ा दे के 1.5 किलोमीटर यहाँ से घूम के चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे करीब करीब 10 दुकानें हैं, 20-25 ठेले हैं, और भी रोजगार कई कमाने वाले लोग हैं, सब निराश हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। गेट बंद होने से कितना फर्क पड़ गया? गेट बंद होने से हमारा खुद बिजनेस 25% से भी कम रह गया। क्या चाहते हो आप लोग? दूसरा वाला गेट, हम गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहते हैं, भले टिकट लगावे, एंट्री टिकट भले लगावे, गेट यहाँ से खोल, टिकट का खोले तो हम करते हैं बस। सबसे क्या आपका नाम? ईश्वर हरवानी, शिवशंकर चाट। विगत 28 दिनों से ये जो बारादड़ी का बजरंगगढ़ चौराहे की तरफ द्वार खुलता है, ये बिल्कुल बंद कर रखा है। यहाँ पर कोई टिकट की व्यवस्था नहीं है, जिससे हमारे बजरंगगढ़, सीताराम मंदिर और जो माता जी का प्रमुख मंदिर है, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। दिन भर जो श्रद्धालु आते हैं धूप में खड़े रहते हैं, बगीचे में जाने का कोई स्थान नहीं है। साथ ही माला प्रसाद और ये विभिन्न खाद्य पदार्थ बेचने वाले जो 50 दुकानदारों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है, उनके लिए भी भारी आर्थिक संकट यहाँ पैदा हो गया है। अतः हम पुरातन विभाग से आज चेतावनी स्वरूप यहाँ धरना दिया है कि 3 दिनों में इस द्वार को खोला जाए, अन्यथा सभी संगठन मिलकर इन दुकानदार भाइयों के साथ एक आंदोलन करेंगे और इनको मजबूर करेंगे और उनको इस द्वार को खोलना ही पड़ेगा। लेखराज सिंह राठौड़, विश्व हिंदू परिषद। आज यहाँ पर सभी दुकानदारों ने अपने परिवार सहित धरना प्रदर्शन किया है और सभी विश्व हिंदू परिषद छात्र संघ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा, छात्रों द्वारा इनको समर्थन दिया गया है। विगत 28 दिनों से जो बारादड़ी का एक प्रवेश द्वार बजरंगगढ़ से होकर जो चलता था, उसको पुरातत्व विभाग द्वारा बंद कर दिया गया। इससे लगभग 50 परिवार जो है, जो माला, खाद्य पदार्थ और अपनी सामग्री बेचकर अपना जीवन जो यापन करते थे, साथ ही साथ बजरंगगढ़ माता जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर, इस पर जो श्रद्धालु जो आते थे या फिर जो पर्यटन स्थल पर घूमने जो व्यक्ति आते थे, उनको 1.5 किलोमीटर का लंबा जो सफ़र कर और वहाँ जाना पड़ रहा है। दुकानदारों की और हमारी भी यही मांग है कि इस प्रवेश द्वार पर जो शुल्क की उन्होंने वहाँ व्यवस्था करी है, वो यहाँ भी एक व्यवस्था कर दे। परंतु इस प्रवेश द्वार को बंद करना तो इनके साथ एक तरह से बहुत बड़ा शोषण है। आज इसी मांग को लेकर हम सांकेतिक धरने पर बैठे, संपूर्ण दुकानदारों ने दुकानें बंद कर परिवार सहित यहाँ धरना दिया है। और हम पुरातत्व विभाग को चेतावनी देते हैं कि आने वाले 3 दिवस के भीतर यदि इस द्वार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले समय में एक जन आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की और पुरातत्व विभाग की होगी। राजीव भारद्वाज बगरू, पूर्व शासक अध्यक्ष, राजकीय विधि महाविद्यालय।